हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू जो कि ड्राई फ्रूट्स से। और फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज ये सीक्रेट रेसिपी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठंड आने से पहले आप इन लड्डुओं को ज़रूर बना के खाइएगा फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में देसी घी ले लेंगे। आप देसी घी का ही यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, जब हल्का सा घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो ये मैंने, हमारे यहाँ इन्हें खारिक बोलते हैं, इन्हें शायद छुआरे भी बोलते हैं, तो इनके इस तरीके से बीज निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। इन्हें ग्राइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप पहले इन्हें घी में फ्राई कर लीजिएगा। और हम घी का बहुत अच्छे से इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। हम सारे ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो जो लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे और फाइबर, विटामिन सभी से भरपूर होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो इन्हें ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें आराम से इस तरीके से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और ये लड्डू जो भी महिलाएं जिन्हें अभी अभी बेबी हुआ है वो इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते वक्त आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है फ्रेंड्स। ये मैंने गोंद लिया है, इसको आपको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और आप कोई भी ड्राई फ्रूट फ्राई करें तो गैस की फ्लेम लो रखिएगा, ताकि उसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स हमारे जलेंगे नहीं। तो गोंद, क्योंकि बाहर से तो ये फ्राई हो जाते हैं घी में डालते से ही, पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए आप इन्हें फ्लेम को लो ही रखिएगा फ्रेंड्स। आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि कौन से वो ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये देखिए, अब हम काजू को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 50 ग्राम काजू लिए हैं। जो छुआरे थे वो मैंने 100 से 150 ग्राम लिए हैं। आप इन्हें केजी में क्वांटिटी लेके बना सकते हैं कि 1 केजी छुआरे, उसमें आप 100 ग्राम या 150 ग्राम काजू, 100-150 ग्राम आप इसमें गोंद, ये सब डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब ये मखाने फ्रेंड्स, मखानों को आप सबसे लास्ट में फ्राई कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें घी में डालेंगे तो ये घी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आप इन्हें लास्ट में ही डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें भी लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है, और फ्राई होते होते इनका भी कलर पूरा चेंज हो जाएगा। और ये अभी थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम ही मखाने लिए हैं, लेकिन अगर आप 1 केजी का अनचुआरों का बना रहे हैं तो आप 250 ग्राम मखाने डाल सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये नारियल है, ड्राई नारियल है, उसका मैंने इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है। ये किशमिश है और चारोली, किशमिश हम बाद में यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डाले तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूर ही डालना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, और फ्रेंड्स ये जो भी है सब मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये नारियल का बूरा है, ये गोंद है जिसे ग्राइंड कर लिया है, ये मखाने हैं फ्रेंड्स, ये काजू हैं, ये हमारे किशमिश हैं, और ये हमारे छुआरे हैं
जिन्हें खारिक बोलते हैं। इन सभी को अब पीस लिया, अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने कहा है कि घी की क्वांटिटी बहुत होगी तो अभी तो सब कुछ ड्राई लग रहा है, तो फ्रेंड्स वो प्रोसेस भी अभी हम करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। एक बड़े पैन में, थाली में मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है, 100 से 150 ग्राम लेकर, इसलिए छोटी थाली, नहीं तो आप बड़े से बर्तन में सारे जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें ले लीजिए। सभी को आप मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताने वाली थी कि कौन से वो इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो नारियल है, एक मखाने हैं, इन्हें आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सारे ही जो भी ड्राई फ्रूट्स उन्हें हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स इसका इतना प्यारा, इतना अच्छा सा इसका एक टेक्सचर भी होता है, टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा आता है। और ये भी इसमें अच्छा होता है कि आप अगर चीनी ना भी डालें, यदि जैसे आप चीनी मीठा नहीं खाना चाहते तो आप इन्हें ऐसे भी खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, वो भी लास्ट में और बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि सब कुछ इसमें मीठा ही होता है। तो अब हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे और फ्रेंड्स चारोली भी हम इसमें डाल देंगे। ये लड्डू इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि इसमें सारे आपको जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, सब कुछ आपको इससे मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आप इसमें पीसी चीनी मिला दीजिए, ये आप थोड़ी ही मिलाइए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि इसको डालने के बाद ये मीठा हुआ है या नहीं हुआ है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के लिए आप बीच में इसमें थोड़ी सी जगह बना लीजिए, आपको इसमें गर्म घी डालना है, ठंडा घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मिक्स करने के 10 मिनट बाद ही आप लड्डू बनाइएगा। ये देखिए क्योंकि इसके लड्डू बहुत अच्छे से बन नहीं पाते हैं, अगर आप लड्डू बना के रख देंगे तो आधे घंटे बाद इतने अच्छे से सेट हो जाते हैं, और अगर उसी वक्त आप लड्डू बनाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप मिक्सचर बना के रख दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद ही लड्डू बनाइए। ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन गया है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और यकीन मानिए उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको रियल में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेंड्स नारियल, मखाने और छुआरे जो हैं आप उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में रखिए, बाकी दूसरे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। और घी का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। तो देखिए सारे लड्डू बन के रेडी हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अगली और नई नई रेसिपियों के साथ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।